अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते होंगे, कार्स खड़ी हैं और आज का हमारा ब्लॉग जो है वो कार्स के मुतालिक होने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे इस वक्त दो गाड़ियाँ हैं। राइट साइड पर मेरी मस्टैंग है और लेफ्ट साइड पर मेरे दोस्त की कार है, C8 कॉर्वेट। और उमर, कम ऑन इन मैन, आप अपनी गाड़ी के बारे में हमें बताएंगे, उमर भी, और मैं अपनी गाड़ी के बारे में भी आपको बताऊंगा। थैंक यू, क्या हाल है? थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो जैसे कि बिलाल ने बताया है, ये मेरी 2024 C8 कॉर्वेट स्टिंगरे है और आपको इसके बारे में बताएंगे और हम कंपैरिजन भी करना चाहेंगे बिटवीन द मस्टैंग एंड द कॉर्वेट। वैसे तो दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि ये कैटेगरीज ही कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट दिस इज़ जस्ट अ फ्रेंडली कंपैरिजन के क्या पावर है, क्या टॉर्क है, क्या फीचर्स हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रादर देन सेइंग कि एक गाड़ी दूसरे से बेहतर है, कौन सी तेज़ है, कौन सी नहीं। नहीं, ये इस बारे में नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है। सो स्टे ट्यून्ड। तो बिलाल भाई, शुरू करते हैं आपकी गाड़ी से। कुछ बताइए अपनी गाड़ी के बारे में, क्या इसका इंजन है, क्या पावर है? ये है फोर्ड मस्टैंग 2022 EcoBoost और इसका इंजन है 2.3 लीटर, हॉर्स पावर अराउंड 310 टू 330 हॉर्स पावर है ये। और ये वाली गाड़ी जो है ऑटोमेटिक में भी आती है, मैनुअल भी इसकी ट्रांसमिशन सिस्टम है, लेकिन मेरे पास इस वक्त जो है वो मैनुअल है और जिसे अमेरिका में स्टिक शिफ्ट भी बोलते हैं। आई थिंक स्पोर्ट्स कार होनी ही मैनुअल चाहिए। सो बहुत अच्छा डिसीजन था आपका कि मस्टैंग आपने मैनुअल ली। सो अनफॉर्चुनेटली ये मेरे पीछे 2024 C8 कॉर्वेट स्टिंगरे है, ये मैनुअल में नहीं आती, बट दिस इज़ अ 6.2 लीटर V8 और दिस इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड, इसमें कोई टर्बो चार्ज या सुपर चार्जर नहीं है। दिस प्रोड्यूस 495 ब्रेक हॉर्स पावर और ये मस्टैंग कितनी आपने बताया था, 310। सो एज वी सेड के दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज, इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी तेज है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस। आप इंजन से ही अंदाजा लगा सकते हैं ना, इसका 2.3 है, आपका 6.2 है। सो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये एक टू डोर गाड़ी है जिस तरह मस्टैंग में पीछे फिर रीजनेबल बच्चों के लिए दो सीट्स दी हुई हैं, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सिर्फ टू सीट्स हैं। और मस्टैंग में भी टू डोर है लेकिन फोर सीट है, लेकिन ये टू डोर और टू सीट है। करेक्ट। और ये वाहिद कॉर्वेट है, पहली कॉर्वेट जो कि GM ने बनाई है, विच हैज़ अ मिड इंजन। सो इसके फ्रंट पे स्टोरेज है, फ्रंट पे इंजन नहीं है। इसका इंजन इज़ बिहाइंड यू, इट्स कंसिडर्ड अ मिड इंजन क्योंकि रेयर एक्सल से आगे होता है इंजन। सो अ लॉट ऑफ पीपल से इट्स अ रेयर इंजन, इट्स नॉट रियली अ रेयर इंजन क्योंकि रेयर एक्सल से आगे है इंजन, सो इट्स अ मिड इंजन कार। अच्छा उमर भाई, इसका 0 to 100 कितने सेकंड्स में है, क्या हिसाब है? सो इस गाड़ी में एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, वो है लॉन्च कंट्रोल। और जब आप लॉन्च कंट्रोल के साथ इस गाड़ी को लॉन्च करते हैं, अगर आपके टायर्स वार्म हैं, आइडियल कंडीशंस हैं, जो एडवर्टाइज करते हैं दे एडवर्टाइज 2.6, लेकिन मैं पर्सनली अभी तक ये गाड़ी मैंने सिर्फ सर्दियों में ऑन की है क्योंकि इट्स अ 2024, लेकिन अभी तक पर्सनली मैं इसको 2.7 सेकंड्स में 0 to 100 अचीव किया हुआ। और ये 0 to 100 ये माइल्स है या किलोमीटर्स है? ये किलोमीटर्स है। किलोमीटर्स।
थोड़ा सा हमें गाड़ी को चलाना पड़ेगा ताकि हमारा टेम्परेचर जो है ट्रांसमिशन फ्लूइड का और ऑयल टेम्परेचर 150 से ऊपर हो जाए, उससे पहले हम लॉन्च कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, तो अभी हम थोड़ी सी गाड़ी चलाएंगे। सो बिलाल भाई, इस गाड़ी की एक बहुत मज़ेदार चीज़ जो है वो ये गियर शिफ्ट लीवर्स है, फ्लैपी पैडल शिफ्टर्स कुछ भी कह लें। सो दिस हैज़ अ ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। एक गियर में जब गाड़ी होती है तो अगला गियर ऑलरेडी घूम रहा होता है, वो रेडी होता है एंगेज होने के लिए। सो इट्स यूजली वेरी फास्ट, मैनुअल से ज़्यादा तेज़ होता है। सो यूजली ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन गाड़ियाँ ट्रैक पे बेहतर परफॉर्म करती हैं देन मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियाँ, लेकिन मैनुअल चलाने का एक जो मज़ा है वो इसमें नहीं है, बट डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाइज दिस इज़ मच बेटर। आज आप हमें थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा दें। सर अभी हमारा देखिए टेम्परेचर 154 और गेयर ऑयल का भी टेम्परेचर 154 हो गया। सो अब हम गाड़ी को थोड़ी सी रेस दे सकते हैं एंड अभी स्ट्रेच पे हम थोड़ी सी रेस देते हैं और फिर आपको लॉन्च कंट्रोल ट्राई कराते हैं। तकरीबन किलोमीटर्स में आपका 200 किलोमीटर पर आवर। सो अब हम ट्राई करेंगे लॉन्च कंट्रोल। सो लॉन्च कंट्रोल का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको स्पोर्ट्स मोड में होना होता है। सो सबसे पहले हम यहाँ से लीवर सेलेक्ट करेंगे और स्पोर्ट मोड में आके सेकंड स्टेप है कि आपने अपनी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके दोबारा दबाना है ताकि आप ESC कंपेटिटिव मोड में आ जाए, वो सामने लिखा आ गया। सो अब गाड़ी लॉन्च के लिए तैयार है। सो लॉन्च का तरीका ये है कि अपना लेफ्ट फुट मैं ब्रेक के ऊपर रखूँगा फुली और अपने राइट फुट को फुल रेस दूंगा और गाड़ी के RPMs ऑटोमेटिकली 3.5 पे रुक जाएंगे। और जब वो 3.5 पे रुके होंगे, द ओनली थिंग आई विल डू इज लिफ्ट माय लेफ्ट फुट फ्रॉम द ब्रेक, रेस में पूरी दबाई रखूंगा एंड द कार्स कंप्यूटर विल मेक श्योर के बेस्ट व्हील को किस को कितनी पावर दी जाए टायर्स को टू गेट द बेस्ट 0-60 टाइम। रेडी बिलाल? यस। सो अभी हमारा 0-60 3 सेकेंड शो कर रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा अपहिल थे और ये 0-60 माइल्स है, राइट? 0-60 माइल्स है। वाओ, इट्स एक्सेलरेटिंग। बहुत फिट एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ ये सबको करना चाहिए अगर किसी को मौका मिले। It's a different thing. It's pretty fast. इसका मतलब है? हाँ जी, it's right up there with other mid-engine Ferraris, Corvette, Lamborghinis. So it's right up there. मैंने सुना है कि कॉर्वेट जो है वो अमेरिकन फरारी है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दे कॉल इट द पुअर मैन्स फरारी। सो अगर आप फरारी अफोर्ड नहीं करते तो आपके लिए कॉर्वेट है विच इज़ इक्वली एज गुड एज फरारी, एंड आई थिंक दिस इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर कॉर्वेट के अगर उसको कंपेयर किया जा रहा है विद एन आइकन लाइक फरारी। और आप इस बारे में क्या कहेंगे कि यार बीइंग अ 30 ईयर ओल्ड गाय और वो भी अमेरिका में, जो आप मतलब यहाँ पे नॉर्मली आप यंग बंदा ऐसी गाड़ी मैंने बहुत कम देखा है, खासकर कॉर्वेट, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं? डू यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ? डेफिनेटली अल्लाह का शुक्र है और मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ एंड आई एम रियली प्लीज्ड विद द कार। आई इफ गिवन द ऑप्शन आई वुड डेफिनेटली बाय द सेम कार अगेन। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से हमने बातें काफ़ी कर ली हैं, लेट्स हिट द रोड।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बड़ी मेहनत की है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। उमर भाई के चैनल का लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ लाजमी जाएँ, सब्सक्राइब करें चैनल को। स्टिंगरे के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छा कॉन्टेंट है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।